नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरु जी। यार चैनल पर नए हैं, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती है, एजुकेशनल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती है दोस्तों, और जो भी अतिथि शिक्षकों की नई नई जानकारी आती है उसकी अपडेट मैं आपको देता हूं। लेकिन अभी कमेंट्स आ रहे हैं, राजेश जी व्यू बढ़ाने के लिए साकेत प्रभु मत बनिए। तो भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं साकेत प्रभु नहीं हूं, ना ही मेरा ये चैनल है, ये चैनल आपका है। ये चैनल मेरा नहीं है, आपका चैनल है। जैसा आप बोलते हैं वैसी मैं वीडियो बना देता हूँ। रही बात वीडियो डालने की, तो कभी कभी क्या रहता है दोस्तों, यूट्यूब का एक क्राइटेरिया रहता है 2 से 4 वीडियो अपलोड करने का, तो मजबूरी में मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है। और कभी अपडेट अच्छे आते हैं लेकिन कभी अपडेट नहीं आते। अतिथि शिक्षकों की वीडियो तो मैं कंटिन्यू डालता ही हूँ दोस्तों। इसके बाद में अतिथि शिक्षकों से हटके जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 है उसको लेकर भी मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड हैं, और बहुत से भाई जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 जिन्होंने दिया है उनका हम सर्वे कर रहे हैं, और कितने पर उनकी लिस्ट जाएगी, कितना कट ऑफ होगा, कितने पर अतिथि शिक्षकों का सिलेक्शन हो जाएगा जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 पास की है, और अतिथि शिक्षक कोटा कम से कम कितने नंबर पर जो अतिथि शिक्षक हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को लेकर एक विडम्बना बनी हुई है। अतिथि शिक्षक भी परेशान है जिन्होंने पेपर दिया है वर्ग 3 का। भाइयों, थोड़ा इंतजार करें, उसके लिए लाइव स्ट्रीम होगी, सभी उसका रिप्लाई दूंगा, सभी को जवाब दूंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी खबर अतिथि शिक्षकों के बारे में, मानदेय को लेकर है। जुलाई भी निकल चुका है, अगस्त भी निकल चुका है, सितंबर हो चुका है दोस्तों, और सितंबर के भी अंतिम दिन यानी 2-3 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद में सितंबर खत्म होने वाला है, लेकिन अतिथि शिक्षकों की जेब में पैसे नहीं बचे। अब मानदेय क्यों नहीं डल रहा है, इसका क्या कारण है? संकुल पे जाते हैं, यूनिक कोड बनेगा तब आपका मानदेय मिलेगा, यहाँ से जाइए, ऐसी बातें हमको मिलती हैं। यूनिक कोड ने उलझा के रखा है, और जब हमसे यूनिक कोड का बोला जाता है तो हम संतुष्ट होकर संकुल से वापस आ जाते हैं, या फोन से हमारी बात होती है कि सर अतिथि शिक्षकों का मानदेय, तो वो बोल देते हैं कि अब यूनिक कोड आपका बन रहा है, जब यूनिक कोड जारी होगा तब आपके बिल लगेंगे। लेकिन कल वीडियो पर कमेंट्स आए थे कल परसों में कि सर हमारा तो जुलाई का मानदेय मिल चुका है, अगस्त का भी मानदेय मिल चुका है, वो कैसे हम मानदेय मिल गया, वहां पर क्या ट्रेजरी कोड नहीं बने, और आखिरकार ये मानदेय सभी अतिथि शिक्षकों का कब तक मिलेगा। लेकिन आज बड़ी अपडेट आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का मानदेय दिवाली तक मिल जाए, और दिवाली के 2-4 दिन पहले, या दिवाली भी निकल जाती है कहीं कहीं के संकुल पे नहीं हो पाती है प्रोसेसिंग पूरी, और बोलते हैं हमने बिल लगा दिए हैं और पेमेंट फेल हो गया, ई पेमेंट फेल हो जाता है, इस कारण बहुत से बहाने हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन दिवाली तक सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का मानदेय मिल जाएगा, और दिवाली के पहले भी मिल जाएगा, जिनका नहीं मिला है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर का भी मिल जाएगा। और अब बात आती है जिनकी पोर्टल पर फीडिंग नहीं हुई है, क्या उनका मानदेय दिवाली तक मिलेगा? तो दिवाली के पहले पहले सभी को आपको कुछ भी करके पोर्टल पर फीडिंग करवाना है, क्योंकि अतिथि शिक्षक परेशान है, पोर्टल पर फीडिंग नहीं हो रही है इस वजह से, और पोर्टल पर अगर फीडिंग नहीं हुई तो मानदेय नहीं मिल सकता है। ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं दोस्तों, इसलिए हमको कुछ भी करके, आप जितने भी अतिथि शिक्षक संकुल में हैं, कई जगह से कमेंट्स आ रहे थे सर हमारे संकुल में 10 से 15 ऐसे हैं जिनकी फीडिंग नहीं हुई है, और एरर आ जाता है जब फीडिंग करते हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, तो ये प्रोसेसिंग आपको DPI से करवाना है, आपको DO ऑफिस भी जाना पड़ेगा, DO सर से भी आप बात कीजिएगा कि सर फीडिंग नहीं हो रही, और DPI में भी आप ज्ञापन दें 10 से 15-20 लोग इकट्ठे होकर जिन लोगों की फीडिंग नहीं हुई है। तो आज की वीडियो में उनको कमेंट्स करना है जिनकी फीडिंग नहीं हुई है, हम इसका भी अंदाजे लगाएं आखिरकार मध्य प्रदेश में ऐसे कितने अतिथि शिक्षक हैं जिनकी फीडिंग पोर्टल पर नहीं हुई है, रिक्त पद खाली हैं। तो आप लोगों को कमेंट्स करना है, और कमेंट्स के माध्यम से अपना नाम
लिखना है तो आप सभी अतिथि शिक्षक एकत्र होकर एक डीपीआई में ज्ञापन दे दें जिससे आपकी फीडिंग जल्दी से जल्दी हो सके। और ऐसा नहीं है, दिवाली में भी ज़्यादा टाइम नहीं है और पोर्टल वाली बात है, तो दोस्तों ऐसे कई अतिथि शिक्षक रह चुके हैं जिनकी फीडिंग नहीं हुई और एक वर्ष का मानदेय उनको नहीं मिला है। आखिरकार दिवाली तक तो सभी का मानदेय मिलना है, तो आप लोग प्रयासरत रहें। और रही बात भाइयों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि मैं साकिब फिल्म नहीं हूँ, मैं ना मेरा ये चैनल है, आपका ही ये चैनल है और मैं भी आपका ही हूँ। इसलिए आप ऐसा कुछ ना सोचें कि सर आप व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। और सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ, आप सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हो। शिक्षक भर्ती के कट ऑफ को लेकर, शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को लेकर शाम को हो सकता है 9:15 या 9:30 लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ या इससे रिलेटेड एक अच्छी वीडियो बना सकता हूँ। 2-3 अपडेट पड़े हुए हैं, थोड़ी इंक्वायरी करके वीडियो बनाऊंगा आखिरकार कितने नंबर में सिलेक्शन होगा वर्ग 3 में, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।